Hey guys, welcome once again. Hashtag go with trend. After a long time and busy schedule, I click this video. First of all, audience, मेरी last videos को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 thanks. तो आज की video जो है वो हमारी एक nail extension review की है. नेल एक्सटेंशन गर्ल्स की मस्ट प्रॉब्लम होती है. नेल एक्सटेंशन उतारने के बाद इचिंग करता है. बहुत से लोग ग्लू वाला नेल एक्सटेंशन कर देते हैं जिसमें फिर वो उतार दे तो उस पर ग्लू रह जाती है नेल्स पे, और उन पर फिर कॉन्फिडेंस सा नहीं रहता हमें उन नेल एक्सटेंशंस पे. हमें ऐसे रहता है कि अब ये टूटेंगे, गिरेंगे या फिर कुछ भी. तो आज जो ये प्रोडक्ट मैंने मार्केट से बाय किया, ये मुझे रैंडमली दिख गया था मार्केट में. ये प्रोडक्ट है सारा प्रोफेशनल क्वालिटी एस नेल्स के नाम से, और ये मुझे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा. मैंने इसको ख़रीद लिया. मैंने ग्लू स्टिक भी ख़रीद ली. मुझे लगा इसे ग्लू से लगाना होगा. उन भैया ने भी नहीं बताया, वो बिज़ी थे. बट इस पर ना ये देखिए आप, ये इस तरह की पैकिंग मुझे रिसीव हुई है डबल पैकिंग के अंदर. और इस तरह के कुछ नेल्स हैं जिन पे बहुत ही क्लियरली स्टोन वर्क और अच्छा सा नेल पेंट भी आपको दिया हुआ है. ये मुझे जनरली बहुत अच्छा लगा. तो इसे ओपन करते हैं. मैंने ये एक नेल्स को कल वैसे ही ट्राई करने के लिए उतारा था और मैंने इसको चिपकाया. मुझे वैसे मैं रख के देख रही थी कि ये थमका है या नहीं, बट ये इस पे चिपक गया. इनकी सबसे अच्छी बात है कि इन पे ग्लू ऑटोमेटिकली लगी हुई है. ये मुझे भी ये प्रोडक्ट घर पे आने के बाद पता लगा था, वहाँ नहीं पता था. तो चलो इसे अप्लाई करते हैं. सिंपली हमें इसको क्या करना है, पीछे से प्रेस करके एक नेल्स को उतार लेना है. इसमें आपको 12 पीसेस जो है वो रिसीव होंगे. ये देखिए इस तरह से आपको क्या करना है. इसमें आपको ग्लू लगी हुई है, दिखाई नहीं दे रही, विजिबल नहीं है अच्छे से. और इस तरह से हमें सिर्फ इसको प्रेस करना है. और ये देखिए नेल्स अप्लाई हो रहे हैं. तो जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करते हैं, फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ. होगी आपने शॉर्ट क्लिप्स के अंदर इन ब्यूटीफुल से नेल्स की लुक. जनरली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है नेल एक्सटेंशन से, बिकॉज नेल एक्सटेंशन नॉर्मल से नॉर्मल भी अगर आप कराते हैं, नॉर्मल नेल पेंट या स्टोन वर्क कराते हैं, आपको 2000-3000 पे करना होता है. बट ये जहाँ तक इसके रेट की बात करें, ये मैंने 400 में बाय किए हैं. और इनके पावर, जो ग्लू की पावर है, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी. मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ. ये देखिए मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे मेरा हाथ भी यहाँ से लाल हो गया है. ये देखिए, बट मुझे ये नेल्स बहुत अच्छे लगे. अगर आपको कोई पार्टी फंक्शन नॉर्मली अटेंड करना है, आप एक्सटेंशन कराने नहीं जा सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं. अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो मैं आपको मार्केट का एड्रेस भी बता दूंगी. अगर आपको मुझसे बाय करना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. 250 से इसकी स्टार्टिंग थी वहाँ पे, बट ये 400 तक का हमें कलेक्शन मिला और ये मैंने 400 का ही बाय किया. मुझे थोड़ा स्टोन वर्क इसमें अच्छा लगा. ये बेबी पिंक कलर का जो है, अभी मैंने रिंग वगैरह नहीं डाली हुई तो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट काफ़ी अच्छी लुक दे रहा था, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट बाय किया. ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी इसी के साथ कंप्लीट होती है. हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. मैं फर्स्ट वीडियो से बोल रही हूँ कि ज्वेलरी हॉल है, उसमें ना अभी लिटिल बिट एडिटिंग्स बाकी हैं. जल्दी मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी. तब तक के लिए बाय बाय.